देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, मैं हूं आपके साथ गुलरिश। सोचा तो ये था कि अप्रैल में मौसम इतना गर्म शायद नहीं होगा और जो गर्मी है वो मई से ही शुरू होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अप्रैल के महीने में ही इतनी तेज़ गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और ऐसे में लोगों को कई तरह के हेल्थ इश्यूज और हेल्थ प्रॉब्लम्स इस गर्मी के मौसम में होते हैं। तो कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से अपने इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, जो कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर दीप्ति, स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संजय कुमार मिंटो, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों का श्रेष्ठ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी डॉक्टर संजय, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये जो मौसम होता है गर्मी का मौसम काफ़ी मुश्किल होता है, चिड़चिड़े बच्चे हो जाते हैं, किस किस तरह की समस्याएं छोटे बच्चों को हो सकती हैं? अगर हम 2 साल से 6 साल तक के बच्चों की बात करें तो उनके लिए उनके पेरेंट्स ये मौसम कैसे थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं? एक्चुअली बच्चे बड़ों से अलग इसलिए होते हैं, तो बच्चों का सब कुछ स्पेशल होता है। जैसे उनका बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होता है और जब वो एक्टिविटी करते हैं तो पर केजी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। प्लस अगर बच्चे छोटे हैं तो उनका जो थर्स्ट सेंटर है, थर्स्ट का रिस्पॉन्स ब्लंटेड होता है। बच्चे बोलेंगे नहीं जो मुझे प्यास लगी है, जैसे बड़े खुद से पानी पी लेते हैं वैसे बच्चे बोलेंगे नहीं, तो इन बच्चों में इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो जैसे हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो गर्मियों के मौसम का प्रॉब्लम है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हीट के कारण जो प्रॉब्लम होता है वो, दूसरा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन के कारण और भी बहुत सारे कीटाणु इस एटमोस्फेयर में ग्रो करते हैं तो उनसे जो बीमारियां होती है वो। तो पहले हम जो हीट एक्शन इससे प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस कर ले। इसमें ऐसा होता है, पहला होता है जो बच्चे खेलते खेलते उनको क्रैम्प होता है, जिसको हीट क्रैम्प बोलते हैं। जैसे काफ मसल में आइस में उनको पेन होती है, ये यूजुअली डिहाइड्रेशन के कारण होता है। ऐसे बच्चों को बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए और नमक की कमी से होता है और ORS लेना चाहिए। थोड़ा इससे सीवियर होने पर हीट एग्जॉशन बोलते हैं उसको, जिसमें कि बच्चे गर्म हो जाते हैं लेकिन इसमें टेम्परेचर 100 से 103 डिग्री फॉरेनहाइट तक ही जाएगा। तो इस साथ में बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है, नौजिया हो सकता है। डॉक्टर संजय, मैं हम थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। आपने कहा नमक, तो क्या छोटे बच्चों को आयोडीन वाला नमक देना चाहिए या बिना आयोडीन वाला, क्या या कोई भी नमक दे सकते हैं बच्चों को? एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप आयोडीन वाला भी यूज कर सकते हैं और नॉन आयोडाइज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आयोडीन के कारण कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है। इसलिए आजकल कहीं कहीं कहते हैं जो नॉन आयोडीन यूज करो, क्योंकि थायराइड का प्रॉब्लम हमारा बढ़ रहा है, आयोडीन से हाइपर थायराइडिज्म होने का चांस होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, हमारे नॉर्दर्न इंडिया में आयोडीन की डेफिशिएंसी भी है, इसलिए नमक को फोर्टिफाई किया गया है। तो इसलिए ये दोनों तरफ की बात है, आप कोई भी चीज चूज करो, माइल्ड आयोडीन से कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल, बैलेंस जो डाइट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। यहाँ पे डॉक्टर दीप्ति से मैं बात करना चाहूंगी। डॉक्टर दीप्ति, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या बताएंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है और अपनी बॉडी को अपने स्टमक को तैयार करना आसान नहीं होता है। एकदम ठंड होती है और उसके बाद एकदम गर्मी, दो एक्सट्रीम वेदर जो है वो लोग झेलते हैं, उनकी बॉडी झेलती है, तो कैसे अपनी बॉडी को तैयार कर सकते हैं? बॉडी को तैयार करने के लिए सबसे सिंपल समर टिप्स जो है वो ये है कि हैवी मील, हाई प्रोटीन मील लेना लिमिट करना चाहिए। जैसे ही हम गर्मियों की तरफ बढ़ने लगते हैं, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स पर फोकस करना चाहिए, जिससे वो सुपाच्य बने, पचने में आसान हो और बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम ना हो उनके डाइजेशन में। प्लस हाइड्रेशन पर बहुत फोकस रखना चाहिए। अगर हम छोटे बच्चों की ही बात करें तो प्लेन पानी सबसे बेस्ट हाइड्रेशन के लिए होता है। इसके बाद फ्रूट इंफ्यूज वाटर दे सकते हैं बच्चों को, क्लियर जूसेस, क्लियर फ्रूट दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनके हाइड्रेशन मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेंगे। तीसरी चीज, नमक की अगर हम बात कर रहे थे तो
आयोडीन और नॉन आयोडीन नमक का, जो सेंधा नमक हम कहते हैं जिसे हिमालयन सॉल्ट, प्लस ये जो पैकेट में आता है हमारा आयोडाइज सॉल्ट, इसको 3:1 की रेशो में यूज किया जा सकता है। 3 times सेंधा प्लस 1 part ऑफ प्लेन सॉल्ट, जिससे आयोडीन की कमी भी नहीं होगी और ओवर आयोडीन से होने वाली प्रॉब्लम्स भी बच्चों में नहीं देखी जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर ये बिल्कुल क्योंकि नमक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो डॉक्टर दीप्ति जिन्होंने बताया कि 3:1 का रेशियो होना चाहिए, 3 times होना चाहिए सेंधा नमक और 1 time होना चाहिए आयोडाइज नमक, यही आप कह रही हैं, राइट जी। चलिए मैं आगे बढ़ूंगी डॉक्टर दीप्ति, ये तो हम बात कर रहे हैं नमक की, इसके अलावा अगर हम चीनी की बात करें, ज्यादा चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में लोग शिकंजी और इस तरह की चीजें भी पीते हैं क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन नहीं होती है, तो आपके आपके लिहाज से कितनी चीनी या कितना मीठा आप गर्मी में ले सकते हैं कि आपकी बॉडी के लिए भी ठीक रहे और आगे आपके लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक रहे? जी देखिए, ओवर द टेबल शुगर या ओवर द टेबल सॉल्ट, दोनों ही चीज बिल्कुल लेने की जरूरत शरीर को नहीं होती है। सफिशेंट अमाउंट ऑफ शुगर हमें जो हम मील्स लेते हैं उनसे मिल जाता है, फ्रूट्स लेते हैं उनसे मिल जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स की, तो शुगर और ज्यादा डिहाइड्रेटिंग हो जाती है एट द एंड। ORS सबसे पहला नंबर आता है पानी का, दूसरा नंबर है ORS का, फिर अगर हम रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स में शिकंजी की बात करते हैं तो उसमें शुगर यूज किया जाता है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जो कि सबसे फेयर ड्रिंक है, लेकिन अवॉइड करने वाले सबसे ज्यादा ड्रिंक्स हैं शुगरी ड्रिंक, जो पैकेट फ्रूटी या हम किसी अगर ब्रांड को फोकस ना करें, जनरली जो भी स्वीटेंड ड्रिंक पैकेट बैकेट मार्केट में बिकते हैं वो सबसे ज्यादा हार्मफुल हैं, वो बॉडी में और ज्यादा हीट प्रोड्यूस कराते हैं और डिहाइड्रेशन कराते हैं। होती हैं सोडा ड्रिंक्स जो होती हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे, क्योंकि वो भी लोग धड़ल्ले से लेते हैं गर्मियों के मौसम में? जी, अब वो पीते हुए अच्छी लगती हैं, वो फिज का जो फ्लेवर होता है वो अट्रैक्टिव होता है, उसकी वजह से अच्छी लगती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटिंग होती हैं बॉडी के लिए, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को सोडा की क्रेविंग है तो उन्हें होम मेड सोडा पीना चाहिए, जो मोइतो की रेंज है या जो भी कूलर्स की रेंज है, फूड फ्लेवर को आप सोडा थोड़ा सा ऊपर से ऐड करके दे सकते हैं, खासकर बच्चों को, जो ये बाहर के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये सबसे एक ही कुंजी है अगर अब हम बात करें न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशनिस्ट की हम बात कर रहे हैं कि हर चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आइसक्रीम की भी बात करना चाहूँगी, मैं डॉक्टर संजय आपके पास भी आऊँगी मैं। डॉक्टर दीप्ति, आइसक्रीम कितनी ले सकते हैं, क्योंकि जो आइसक्रीम की अगर हम वो देखें कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आइसक्रीम में भी पाम ऑयल है और अगर आप कुछ आइसक्रीम देखेंगे तो उसमें मिल्क सॉलिड्स होते हैं, तो आइसक्रीम का चुनाव बड़े और छोटे कैसे करें? जी बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस किसी भी चीज का, किसी भी बाजार में मिल रहे प्रोडक्ट का करने के लिए होती है लेबल रीडिंग। जैसा कि आपने बताया कि पाम ऑयल कुछ प्रोडक्ट में देखने के लिए मिलता है, कुछ में मिल्क सॉलिड देखने के लिए मिलता है, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट चूज करें तो देखिए उसके पहले 3 इंग्रेडिएंट क्या हैं। अगर वो नेचुरल मिल्क, मिल्क सॉलिड या मिल्क पाउडर से बनी है तो आप उसे चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले 3 प्रोडक्ट के अंदर पाम ऑयल, कॉर्न सिरप, डेक्ट्रोज, शुगर, इन शब्दों का इस्तेमाल है, फ्रक्टोज सिरप, तो आप उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर संजय मैं आपके पास आना चाहूंगी, बच्चे आइसक्रीम को देख के बिल्कुल पागल से हो जाते हैं गर्मियों में, हर वक्त उनको आइसक्रीम चाहिए, बाहर जाने का मतलब आइसक्रीम, तो मैं चाहूंगी आप बताएं कि ऐसे सिचुएशंस में पेरेंट्स क्या करें? आइसक्रीम के लिए अभी आपने कहा मॉडरेशन में सब कुछ ठीक है, तो एक आध में मैं नहीं समझता, हाँ वो एक्सेसिव हो तो वो हार्मफुल है। एक्चुअली बॉडी में जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे बॉडी में सोडियम एब्जॉर्ब होने के लिए ग्लूकोज भी जरूरी है, अगर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसमें जो भी ORS होता है उसमें ग्लूकोज मिलाया जाता है, लेकिन वही आप एक्सेसिव अमाउंट में ले लोगे, जैसे फ्रूट जूस में है एक्सेसिव अमाउंट में है, कार्बोनेटेड ड्रिंक में है,
तो उससे तो नुकसान होगा, जैसा कि अभी डॉक्टर ने आपको बताया। तो खाने पीने में बेसिकली ये ध्यान रखना जरूरी है, जो गर्मियों में बाहर कंडीशन हॉट एंड ह्यूमिड होता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें आप जो भी बाहर का चीज यूज करेंगी तो उसमें बहुत चांस है इन्फेक्शन का। इसलिए देखा गया है जो गर्मियों में डायरिया, वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, ये सब काफी बढ़ जाते हैं। तो जहां तक हो होम में यूज करना चाहिए, और जहां तक आइसक्रीम का बात है तो घर में बना ले सबसे अच्छा है, घर में बना के खाएं। लेकिन स्किन अगर मॉडरेशन में हो, एक आध कभी कभार हो, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। और डॉक्टर ने बताया उसमें ये इंश्योर कर ले जो पाम ऑयल ना हो, और वो एक दो इंग्रेडिएंट और बताया उन्होंने, वो चीज ना हो। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आगे आपसे बात करना चाहूंगी डॉक्टर संजय की, जो कई तरह की दिक्कतें बड़ों को होती हैं जब तेज गर्मी होती है, जैसे आपने बताया कि एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, बच्चे खेलते ज्यादा हैं, तो क्या ये जो हीट स्ट्रोक है, या कई कई बार होता है कि एकदम आप बेहोश हो जाते हो तेज गर्मी में, क्या इस तरह की दिक्कतें बड़ों के साथ साथ क्या बच्चों को भी होती है? बच्चों में ज्यादा होता है एक्चुअली। इसमें मैं बता रहा था, पहला तो मैंने बताया था हीट क्रैम। हीट क्रैम के बाद, हीट क्रैम को हम माइल्ड बोलते हैं, जिसमें कि आप ORS दोगे, नमक लोगे, पानी लोगे तो वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करोगे। अगर उससे थोड़ा ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हीट एग्जॉशन। उसमें क्या होता है, जो फीवर होता है लेकिन 103 डिग्री फॉरेनहाइट तक, और बच्चा इरिटेबल हो जाएगा, स्वेटिंग एक्सेसिव होगा। ऐसे में क्या करना है, तो बच्चे को सबसे पहले ठंडे जगह पर ले जाना है, फैन या AC ऑन करना है, कपड़े को पानी में भिंगा के पूरा बदन पोंछना है। अगर इसके बाद भी वो इम्प्रूव नहीं किया तो अगल बगल के हॉस्पिटल में ले जाना है। अब मैं आता हूँ हीट स्ट्रोक इज एक्सट्रीम कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर 104 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, 104 डिग्री, और बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है, इवन कन्वर्शन हो सकते हैं। तो ये कंडीशन जब भी हो और ड्राई हो जाता है, स्वेटिंग नहीं होगा, और 104 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो, ऐसा कंडीशन जब हो तो फिर तुरंत से उसको आसपास के हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। तो ये तो हीट से डायरेक्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है, जैसे अभी मैंने आपको बताया जो फूड पॉइजनिंग होता है, क्योंकि बाहर फूड कंटामिनेटेड हो जाते हैं, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, जैसे नाक से ब्लड आना, क्योंकि ये ड्राइनेस होती है म्यूकोसा को, और बच्चे नेजल स्टिक करते हैं, नाक से निकालते हैं, उसमें इंजरी होती है और ब्लीडिंग हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट तरीका है उसको मॉइस्ट रखें, जैसे कोकोनट ऑयल, सबसे नारियल का तेल सबसे शुद्ध है, उसको आप नाक में लगा के उसको ड्राई ना होने दें। इसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम है। ओवरऑल मैं कहूंगा, अगर हम प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो पहला प्रिकॉशन है बच्चों को खेलने का टाइम, या तो अर्ली मॉर्निंग में वो खेले या इवनिंग में खेले, जिस समय की बाहर का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। दूसरा चीज है कपड़े, वो लाइट कलर जो कि हीट कम एब्जॉर्ब करे, कॉटन के ढीले ढाले कपड़े पहने। तीसरा चीज है रेगुलर पानी पीते रहे, या पानी के अलावा अगर लेना चाहे छाछ पिए, नारियल का पानी पिए, या फिर एक 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 चीज होता है कांजी, चावल का पानी, मार में हल्का नमक और नींबू मिला के ले सकते हो, या घर में आप ORS बना सकते हो। ORS बनाने का तरीका बड़ा आसान है, आप 1 लीटर पानी ले लो, ले सकते हो, तो कप में 5 कप पानी आप ले लो, और उसमें 6 चम्मच टीस्पून चीनी मिला दो, 1 पिंच सॉल्ट का दो, थोड़ा नींबू डाल दो 1 लीटर पानी में, तो ये ORS होममेड ORS बन जाए। इसके अलावा आप जो साबुन यूज करते हो वो माइल्ड केमिकल वाला होना चाहिए, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम एलर्जीज बढ़ती है जी। इसके अलावा
इसके अलावा ये है जो बच्चे को बीच बीच में जो खाना है वो जहां तक हो सके घर की बनी हुई होनी चाहिए, ताजी फल है जैसे जो वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स है उसका यूज करना चाहिए। यहाँ पर मैं डॉक्टर संजय मैं आपके पास आऊंगी, यहाँ पर हम बात करेंगे हम जो पेट को पेट किस तरीके से मजबूत करें, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या करें बात करेंगे। मैं भी डॉक्टर दीप्ति के पास आना चाहूँगी। डॉक्टर दीप्ति, जैसे कि डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर संजय ने, कि किस तरीके से बच्चों को कब ले जाने की ज़रूरत हो सकती है अगर दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाएँ, ऐसे में मैं बड़ों के लिए जानना चाहूँगी जो कि ये जो कई बार बड़े भी बेहोश हो जाते हैं इस तरह की दिक्कतें, उसके लिए आपकी क्या राय है? बड़े अगर गर्मी की वजह से कोई भी बच्चे या बड़े अगर बेहोश हुए हैं, सबसे पहली चीज है उन्हें कंफर्टेबल करें, हवादार सिचुएशन में लेकर जाएं, ठंडा करें शरीर को, पैरों को थोड़ा सा ऊपर करें जिससे कि ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़े और ब्लड फ्लो जाने से उनको होश आए। सिप सिप करके पानी दें, एक साथ गर्व करके नहीं, सिप सिप करके। पानी लेने का सही तरीका होता है 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के अंदर अगर 250 ml वाला एक कप पानी पिया गया है तो वो पूरे दिन में वाटर इनटेक का सही तरीका होता है। इसके अलावा अगर फिर भी रिलीफ नहीं हो रहा है, पानी नमक ORS देने के बाद भी रिलीफ नहीं होता है, तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो और क्या सिम्टम्स होते हैं अगर कोई इस तरीके से बेहोश हो जाए तो, और क्या क्या देखें, किस चीजों पे चेक रखें उस समय के लिए? जी, उस वक्त सबसे पहले पल्स देखनी चाहिए। अगर पल्स बहुत ही ज्यादा फेड सुनाई दे रही है, बाउंसी है, तो वो एक साइन है कि डिहाइड्रेशन पहुंचा है। अगर छोटे बच्चों की बात करें, बेहोशी सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगी छोटे बच्चों में पानी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। फॉन्टेनल चेक करना चाहिए, फॉन्टेनल एकदम संकन तो नहीं है। अगर संकन है फॉन्टेनल, इसका मतलब बच्चे को डिहाइड्रेशन हुआ है। सूसू का कलर, सूसू का अमाउंट पर चेक रखना चाहिए बच्चों में, और बड़ों को तो अपना सूसू का कलर वो खुद देख सकते हैं कि बिल्कुल येलो नहीं होना चाहिए, शुड बी क्लियर। द मोर क्लियर इट इज द लेस डिहाइड्रेशन देयर इज देयर। डॉक्टर संजय बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐड करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक में ये मैसेज जाना चाहिए, ये सब तो पब्लिक कर नहीं पाएंगे, जो कर पाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। टेम्परेचर देखे, अगर ये 104 डिग्री फॉरेनहाइट से ज्यादा है तो इमीडिएट ले जाए हॉस्पिटल। अगर 104 से कम है तो जो हम अभी हमने बताया, जो ठंडे जगह पर ले जाओ, पानी पिलाओ, या फिर उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करो, कपड़ा ढीला कर दो, ये सब चीज है। लेकिन अगर टेम्परेचर, बाकी चीजें, पल्स, ये सारे लोग नहीं कर पाएंगे, उसमें एक ही चीज देखनी है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 104 से ज्यादा है तो तुरंत हॉस्पिटल जाना। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर दीप्ति मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं चाहूंगी आप ऐसी कुछ 5-6 चीजें बताएं जो बड़े अपनी डाइट में बिल्कुल इंक्लूड कर लें, बिल्कुल रखें उसको पूरे गर्मी के मौसम में, कि उनका स्टमक ठीक रहे। स्टमक से जुड़ी दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, आप कभी खा पाते हो, कभी नहीं खा पाते, तो ऐसे में क्या वो चीज़ें बिल्कुल आप 5-6 महीने के लिए अपनी डाइट में रखें कि आपका स्टमक ठीक रहे? जी, सबसे पहली चीज़ है दही। दही नेचर में कूल होती है, शरीर को ठंडक पहुंचाती है, पेट को ठीक करती है, गट के बैक्टीरिया को बैलेंस करती है। दूसरी चीज आता है केला, शरीर को ठंडक पहुंचाता है, बी सिक्स का अच्छा स्रोत है, प्लस शरीर को ठंडा पहुंचाने के साथ साथ ये बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, अच्छा प्रोबायोटिक है। तीसरी चीज आता है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर डेली इनटेक में अगर ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो जरूर इंक्लूड करें। बहुत ही इलेक्ट्रोलाइट रिच है, बॉडी को नेचुरली रिप्लेनिश करता है। उसके बाद आता है खीरा, खीरा नेचुरल कूलेंट है। फिर आता है वाटरमेलन, वाटरमेलन जरूर लेना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट का अच्छा बैलेंस बनाता है शरीर में, वाटर का अच्छा सोर्स है और सबको पसंद भी आता है। ये 5 चीजें पूरे समर डाइट में जरूर इंक्लूड करनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों या वो बड़े हों। डॉक्टर दीप्ति, अगर प्रोटीन भी चाहिए होते हैं तो प्रोटीन के आपके हिसाब से प्रोटीन के ऑप्शंस गर्मी के मौसम में क्या हो सकते हैं? जी,
गर्मी के ऑप्शंस में लीन प्रोटीन्स पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए, सबसे पहले बीन्स और लेग्यूम्स पर फोकस रहना चाहिए। प्लस जो भी दालें इस्तेमाल करें उन्हें कूल करने के लिए हमेशा उनको पानी में 6 घंटे भिगोएं, जिससे वो और इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए। कितने घंटे भिगोएं दालों को? 6 से 8 घंटे पानी में जरूर भिगोना चाहिए किसी भी छिलके वाली दाल को, और अगर वो बिना छिलके वाली है तो कम से कम 2 घंटे जरूर भिगोना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे होता क्या है जी? इससे उसके अंदर का फाइटेट कंटेंट कम हो जाता है और वो कूल नेचर की हो जाती है, इजीली डाइजेस्टेबल हो जाती है। प्लस दालों के बाद हम आते हैं बीन्स पर। बीन्स पर बहुत फोकस रहना चाहिए अगर प्रोटीन के सोर्सेज की हम बात करें। तीसरी चीज आती है लीन प्रोटीन्स में फिश, फिश पर फोकस किया जा सकता है। चौथी चीज आती है हमारी प्रोटीन रिच वेजिटेबल्स, जैसे कि कटहल, इन वेजिटेबल्स को अच्छे से यूज किया जा सकता है प्रोटीन के लिए। फिर मिल्क सोर्सेज लाइक पनीर, पनीर इज अ गुड सोर्स फॉर प्रोटीन, और फिर दही भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है जिनको ग्रेवीज बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं ताकि आपका जो ये गर्मी का मौसम है ये सही से गुजरे। डॉक्टर संजय का अब हम रुख करने वाले हैं। डॉक्टर संजय आप बताइए बच्चों के लिए, क्योंकि हमने हम बात कर रहे हैं कि डाइट में क्या क्या इंक्लूड करें, बड़ों के लिए भी बात कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए आप बताइए क्या इंक्लूड करें डाइट में। ये मैडम ऑलरेडी बता चुकी हैं, प्रोटीन में जो वेजिटेबल प्रोटीन है उसमें एक राजमा है, सोयाबीन है, सोया चंक जिसको बोलते हो आप, प्लस पनीर है, या फिर आप अंडे भी यूज कर सकते हो क्योंकि हाई क्लास प्रोटीन अंडा ही होता है। इसके अलावा रेगुलर फ्लूड का बहुत ध्यान रखना होगा, मैंने अभी बताया आपको छाछ, इसके अलावा नारियल पानी या फ्रूट जूस ना दे। फ्रूट जूस से में डेक्सट्रोज कंटेंट हाई होता है, फ्रूट जूस से डिहाइड्रेशन और बढ़ने का चांस होता है। जहां तक हो घर में बीजों का यूज किया जाए, क्योंकि बाहर जितने रहते हैं टेम्परेचर के कारण सब में कंटामिनेशन होता है, तो वो चीज अवॉइड करें। इसके अलावा अभी के समय में एयर क्वालिटी भी पुअर होता है जी। तो जो एयर बॉर्न डिजीज है वाटर बॉर्न के साथ उनका भी होने का चांस होता है, तो आप रेगुलर हैंड वॉशिंग भी इम्पोर्टेंट। अभी तक मैंने छोटे बच्चे का बात किया, जो 6 महीने से कम के बच्चे हैं जिसमें कि हम पानी नहीं दे सकते क्योंकि 6 महीने तक रिकमेंडेशन है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसमें माँ ये ध्यान रखे जो उसको समय समय पर ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहे, उसमें कमी ना हो। कपड़े लूज पहना है, कॉटन का पहना है, जहां तक हो सके आउटडोर एक्टिविटी को लिमिट करके रखे, और इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और बीच बीच में उसको स्पॉन्ज करें। स्पॉन्ज का मतलब ये नहीं होता है कि आइस के पानी में कपड़ा डाल के आप पोंछ दो, उसमें और राइजर होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हमेशा रूम टेम्परेचर वाले पानी में पानी से स्पॉन्ज करना चाहिए। ठंडा पानी पीते हैं लोग बहुत तेज, चिल्ड वाटर, वो बिल्कुल भी सही नहीं है जैसे कि बताया जा रहा है। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को समाप्त करने का समय आ गया है। डॉक्टर दीप्ति और डॉक्टर संजय आप हमारे साथ जुड़े और ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करी हैं, तो कोशिश हमारी यही है कि जो दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी जो गर्मी का मौसम है सेहतमंद रहे, क्योंकि सेहत है तो जिंदगी है। तो इस कार्यक्रम में अभी के लिए दीजिए इजाज़त। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।